गाइज एक और वीडियो में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। ये ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इस पूरा ब्लॉग में आपको उत्तराखंड का गांव कैसा है, यहाँ पे कैसे खेती करते हैं लोग, और यहाँ का मतलब खेती करने का क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म लगा के खेती करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है सब बताने वाले हैं। पीछे जो देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो घर बना हुआ है, ये पूरा उत्तराखंड का गाँव है। हमारे बिहार में जो भी शहर के जैसा लगता है, ये उत्तराखंड का गांव है। सोचिए कितना डेवलप होगा ये। ये और देख सकते हैं यहाँ बगल में कलम है जो कि हमारे तरह का कलम है, और यहाँ पे गन्ना का खेती होता है एकदम। यहाँ देखिए ये आए हुए हैं हम लोग बाइक से घूमने के लिए। ये पीछे पे गन्ना मतलब रोपा हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा है, काटता भी जाता है यहाँ पे। देखिए इधर भी मकान ही बन रहा है, प्लॉट बेचा और खरीदा जाता है, और प्लॉट बेच के बना के उस पर घर और बेच दिया जाता है। और इधर पीछे भी देख लीजिए, हमारे पीछे भी गन्ना का ही पूरा खेती होता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा गन्ना में यहाँ पे फायदा होता है, और पीछे गांव है, यहाँ पे गांव के लोग अगर आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं जो कि यहाँ का सबसे पसंदीदा फसल है और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला फसल है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा नाला, यहाँ पे सिंचाई होता है, यही नाला है। जैसे हम लोग पाइप लगा के सिंचाई करते हैं ना, तो यहाँ पे नाला के थ्रू सारे जगह पानी जाता है। सोचिए कितना डेवलप है, यहाँ का गवर्नमेंट जो है कितना काम किया हुआ है किसानों के लिए, बहुत सारा काम किया हुआ है। और यहाँ देखिए बगल में तो केतारी जो गन्ना कहते हैं जिसको, यहाँ पे गन्ना का बहुत ज्यादा खेती होता है, बहुत मात्रा में लोग यहाँ से पैसे छापते हैं गन्ना का खेती कर करके। और यहाँ पे देखिए प्लॉट, छोटा छोटा प्लॉट बना के उसपे घेर वेर देता है, और ज्यादा से ज्यादा उसको बेच के फायदा कमाता है, और घर भी बना देता है, घर भी बना के बेचा जाता है यहाँ पे। बहुत सारा यही काम करता है प्रॉपर्टी डीलिंग का। और आइए यहाँ पे दिखाते हैं खेती वगैरह कैसे होता है। यहाँ पे देखिए अंकल जो है यूरिया तो आप जानते होंगे, यूरिया छीट रहे हैं खेत में, गेहूं पटाया हुआ है अभी, देख रहे हैं वहाँ पे गेहूं पटाए हैं और वहाँ पे खाद छीट रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या मतलब ये किसान मतलब कितना मेहनत करते हैं खेतों पे। और यहाँ पे बगल में ही गोभी का देखिए खेती किया जाता है, और कितना बड़ा एरिया में गोभी का खेती किया जाता है देख सकते हैं आप, लगभग 1 बीघा का 20 कट्ठा का प्लॉट है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज हम गौर किए हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है बिहार में, कि खेत देखिए खेत जो भी है उसमें पेड़ लगा हुआ है पूरा खेत में, लगभग ये 5 बीघा का प्लॉट होगा, 5 बीघा का, और पूरा में जो है खेत तो खेती तो किया ही जाता है, गेहूं चावल गेहूं धान ये सब उपजाया जाता है, साथ साथ में पेड़ भी लगाया हुआ है जिससे कि उर्वरक शक्ति जो है नीचे से आते रहे, मिनरल वगैरह सब। और उससे होता क्या है, यहाँ पे फसल बहुत अच्छा होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो फसल अच्छा बनवाने के लिए और फसल अच्छा हो उसके लिए ये हर जगह पेड़ पौधा लगाया हुआ है। आप चारों साइड देख सकते हैं पेड़ पौधा ही दिखाई देगा आपको। और इधर ही बगल में गन्ना का भी खेती होता है, गन्ना का खेती जैसे हम लोग मकई का खेती करते हैं वैसे ही इधर भी होता है। चलिए और भी दिखाते हैं, गोभी बहुत मात्रा में यहाँ पे गोभी का भी खेती होता है, तो चलिए गोभी दिखाएंगे अभी आपको। दोस्तों जैसा कि आपको बोले थे यहाँ पे गोभी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 10 कट्ठा का प्लॉट है और पूरा गोभी उपजाया गया है। और अभी यहाँ पे बहुत सारा में फूल नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा में फूल हो भी गया है, देखिए अभी यहाँ पे फूल हो भी गया है बहुत सारा गोभी में, और बहुत सारा में नहीं हुआ है। बहुत ही मात्रा में यहाँ पे उपजाया जाता है और मार्केट में मंडी वगैरह में यहाँ से भेजा जाता है, किसान लोग भेजते हैं। इधर भी देखिए यहाँ भी बगल में पूरा गोभी का खेती किया गया है, यहाँ पे पूरा प्लॉट देख रहे होंगे आप, उसके उस साइड गेहूँ का किया गया है खेती, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है गोभी का ही खेती किया गया है और गेहूं का बहुत ही कम किया गया है क्योंकि ज्यादा पैसा गोभी में कमा रहे हैं अभी आदमी। और ये सीजनल है, 2-3 महीना का होता है तो जल्दी में हो जाता है, और गेहूं तो 4-5 महीना टाइम लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा मजबूत है। गन्ना ले लिए एक खाने के लिए, जाते हैं खा के देखेंगे कैसा टेस्ट रहता है। चलिए तब जाते हैं और आगे आपको पूरा गांव दिखाते हैं, यहाँ का गांव सब कितना डेवलप है। ये रहा रास्ता, यहाँ का गांव बहुत डेवलप है जिसका जवाब नहीं, यहाँ का डेवलप बहुत ही ज्यादा है यहाँ का डेवलप। और अभी आगे आप देखते रहिए, देख रहे हैं यहाँ का गाँव कितना बड़ा बड़ा आदमी सब रहता है गाँव में, और ये सब गन्ना का खेती कर करके ही इतना ज्यादा अमीर हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग खेती कितना शानदार खेती करते हैं, और चारों बगल से बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। दोस्तों यहाँ का देसी लाइफ देखिए, ये रहा यहाँ पे घास फूस काटा जाता है, और ये घर रहा जहाँ पे गाय और भैंस का सामान तो रखा जाता है कुछ कुछ, और इधर आपको घास फूस रखा हुआ है पूरा एरिया में, और इधर गाय वगैरह सब रहता है, और गाय वगैरह के रहने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब जुगाड़ लगाए हुए हैं इधर, ठंडा जरा सा भी नहीं लगता है इन लोगों को। देखिए ये पूरा गोकुल टाइप का हुआ,
एक गौ निवास, यहाँ पे सारा गौ रहते हैं, सही से गौ का सेवा होता है यहाँ पे। ये रहा उत्तराखंड का गांव, कितना समृद्ध गांव है, कितना डेवलपमेंट, ये कितना डेवलप किया हुआ है यहाँ पे। तो सरकार है बहुत मदद करते हैं किसानों का, देख सकते हैं आप, इससे आधा से ज़्यादा सामान फ्री में दिया जाता है किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे बिहार में एकदम नहीं, यहाँ खेत में भी आपको रोड मिलेगा, लेकिन हमारे बिहार में खेत में क्या, कहीं भी रोड नहीं मिलेगा, नाला तो साइड में रहता ही रहता है यहाँ पर। क्यों ये स्टेट डेवलप नहीं करेगा,